हाय एवरीवन, मैं आशीष शहजाद और आज एक नए वीडियो के साथ। नया इसलिए कहूँगा कि प्रीवियस वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो मुझे वीडियो जो है डिलीट करना पड़ा। और वो अच्छा हो गया, बेहतरी होगी, क्योंकि अब मैं उसके अंदर कुछ और ऐड करके ला रहा हूँ आपके लिए। और एडिशन ये हुआ है कि लास्ट टाइम जो मैं लगी बता रहा था, जो बोल बता रहा था, वो झपताल में भी हम बजा सकते थे और असूल फाख्ता में भी बजा सकते थे। लेकिन अब यह सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अब बोल को उसके अंदर बोल ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, उसको किसी और ताल में कैसे बजा सकते हैं। सो आते हैं अपनी लगी की तरफ। लगी दोबारा से बताऊँगा और जो उसकी टेक्स्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके फैक्ट्स भी। दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं प्लेइंग में, और आपने उसको किस लेवल पे बजाना है, कैसे बजाना है, हाथ खुला रखना है, बंद करना है, ये पोजीशन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि जब आप वीडियो सुने तो हाथों को भी देखें और तबले को भी सुने, पोजीशन को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से देखा करें। सो स्टार्ट करते हैं। धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, तट ताके तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट। जोड़ा, राइट हैंड का जोड़ा और लेफ्ट हैंड का जोड़ा, ये दो फिंगर्स और राइट हैंड की ये दो फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी इसमें, बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगी बोल के शुरू से लेकर आखिर तक। धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धागे तिट। अब धा बजेगा आपका इस फिंगर के साथ, लेफ्ट हैंड की इस फिंगर के साथ और किनार का ता। ये बेसिक बोल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ लोग इसके साथ भी बजाते हैं दो उंगलियाँ जोड़ के, ये वाली, ये दो फिंगर्स, ताकि उसका पंच अच्छा बने। और कुछ जब जोड़े की बात मैंने जैसे की, तो फिर ये दो उंगलियाँ जो हैं ये ज़्यादा, जब बोल चढ़ते हैं हम लोग स्पीड में बजाते हैं तो ये हेल्प ज़्यादा करती हैं और सपोर्ट ज़्यादा करती हैं। तो आप इन दो के साथ भी बजा सकते हैं ये जोड़कर, धट धागे, धट धागे। और अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं धट धागे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको दोनों ही प्रेफर करूँगा, जो जिसको सूट करता है हाथ की पोजिशन के मुताबिक वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट। ये हमारे पास बज रहा है झपताल में, और आप इसको डिवीजन है, आप इसको असूल फाख्ता में भी बजा सकते हैं। पांच मात्रे का ताल जो बहुत फेमस ताल है, बहुत अच्छा ताल है और उसका मिजाज बहुत अच्छा है, लेकिन इसी की फैमिली में से है और डिवीजन वही चलती है, पाँच दस अढ़ाई, आप इसको इस तरह देख सकते हैं। धट धागे तिट, अब रिस्ट हमेशा आ जाती है हमारे बोल के दरमियान में, जो कि आना भी ज़रूरी है और आनी चाहिए। शोल्डर, आप बहुत ज़्यादा शोल्डर को इस्तेमाल मत करें, ये रिस्ट का बोल है, और रिस्ट को आपने ये, इसकी टाइमिंग रखनी है, इसका पोस्चर ये रखना है आप लोगों ने, और ये नहीं रखना, ताकि आपकी रिस्ट ऊपर रहेगी और आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। सो धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, तट ताके तिट। अब खाली आ गई, तट ताके तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट। एक दफ़ा बजा रहा हूँ, धट धागे तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट, तट ताके तिट, धट धागे तिट, धट धट धागे तिट। तिट आ गया, तिट जो कि बहुत तरीके से बज जाता है और बजाना भी चाहिए, लेकिन हर बोल की रिक्वायरमेंट डिमांड फ़र्क होती है। आप बुक्स में से जब देखते हैं और जब उसको हाथ में लेकर आते हैं तो वो बोल चढ़ता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स बिगनर्स शिकायत करते हैं कि सर बोल नहीं चढ़ रहा। जब आप बुक फॉलो करेंगे तब आप बुक को ही फॉलो करेंगे और वही बजेगा जो आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में तिट जो है, तिट हम किस तरह बजा रहे हैं,
जो हम डेली कायदा बजाते हैं उसमें ते इस तरह इस्तेमाल हो रही है, कुछ में ते इस तरह बजती है ते, लेकिन इसमें केस थोड़ा फर्क है, हम ते ट बजा रहे हैं, ते बज रही है हमारी पॉइंटर फिंगर से ते, और हम इसको बोल को क्लोज कर रहे हैं ट से, रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर आप लोगों की ते, अब जब इसको झपताल में बजाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, धिन अब असूले फाख्ता असूले फाख्ता के दो चक्रों में पूरा आएगा ये बोल। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं दादरे में, 6 बीट्स, धा तिन तिन ता धिन धिन, ताल बजाना, ठेका बजाना, उसकी उसकी फील को समझना। बोल आप कोई भी सब असातजा बचपन से सुन रहे हैं ताल जब भी बजाते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप एक कायदा उठाकर किसी दूसरे ताल में शिफ्ट करते हैं, और करना भी आना चाहिए। ये तबला जो है वो मैथमेटिक्स है सारा, तो हमने बुजुर्गों को बचपन से सुना है। कुछ ऐसे कायदे हैं जो दूसरी तालों में भी बज रहे हैं, उनको बोल को अमेंडमेंट करके उसकी अंदर उतार चढ़ाव करके उसको खूबसूरत बनाते हुए, ताकि वो उस ताल में भी बेहतर लगे। तो ये काफ़ी लोग इस पे माइंड भी करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, हर ताल का अलग से कायदा हो। अब ये एक लंबी डिस्कशन है, बोल तो वही होंगे ना, ताल बदल जाता है लेकिन तबले के बोल तो वही हैं। तो अगर वो कायदा किसी और ताल में बज रहा है तो इसमें कोई इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इशू उठाने वाली बात नहीं है। जब दादरा आ गया, आपने फौरन दादरे का जो मजाज है वो दिमाग में लेके आना है, धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन ता धिन अब ये आ गया हमारे पास दादरा, साथ साथ चाय भी पीनी ज़रूरी है। अब ये दादरे में बोल बज रहा है, और अगर एक ताले की लय चढ़ी हुई है, चढ़ी लय में यानी द्रुत लय में वो बज रहा है, आप सोचें कि अब मैं एक ताला चढ़ गया, अब यहाँ पे क्या बजाऊँ, तो आपके जहन में फ़ौरन जो डिवीज़न है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि दादरा जो है वो 3 मात्रे भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो ये बोल एक ताले में भी आ सकता है, एडजस्ट हो सकता है। अब इसको हम करते हैं 8 मात्रे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब धट धगे तिट धट 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 धगे तिट तट तक तिट धट 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 धगे तिट, अब धट धट जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अब बोल मैंने आपको बता दिया, इसका नकास बता दिया कि निकलेगा कैसे, उम्मीद है आपको बोल पसंद आया होगा, और जिस तरह मैंने सीखा है मैंने कोशिश किया कि मैं आपको उससे बेहतर तरीके से सिखा सकूं। और आप इसको बजाएं, इसको पहले ठा पे प्रैक्टिस करें, नीचे बजाएं जितना मर्ज़ी, और फिर मुख्तलिफ तालों में एडजस्ट करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट लेसन में मैं
इस लगी की तिहाई भी सब तालों में, जैसे जैसे लगी बज रही है वैसे वैसे तिहाई भी बजेगी। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो तिहाई के साथ होगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।